वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज न्यू बोइनपल्ली में और आज मैं आप लोगों को कुछ कलेक्शन बतलाना चाहूँगा। कुछ यानी इस वजह से कि इससे पहले काफ़ी सारा कलेक्शन था यहाँ पर और बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर बकरियाँ थी हैदराबादी, जो बहुत जल्द सोल्ड आउट हो गए थे। सिर्फ दो या तीन बचे हुए हैं यहाँ पर, तो सारी डिटेल हम लेंगे यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम कितने थे बकरियाँ आपके पास? छः बकरियाँ थे, एक बकरा था। छः बकरियाँ एक बकरा जी, जिसमें से चार सेल हो गए। पाँच बिक गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये बकरी उसी लॉट में की है और ये एक बकरा है जी। ये बकरी और ये बच्चा एक नया है फिर से इसमें जी। हाँ ठीक है, तो अभी सेल के लिए फिर से ये सारे अवेलेबल है जी। हाँ ठीक है। क्या डिटेल है इस बकरी की? ये चार दांत के ऊपर है उमर भाई। चार दांत के ऊपर गुलाबी है और साथ में हैदराबादी सोजत क्रॉस। हैदराबादी सोजत क्रॉस जी। सोजत की मार्किंग आप कानों पे देख सकते हैं, लेकिन कान बड़े हैं इसके, वाइट आईज है और पूरी गुलाबी चेहरा भी एकदम वाइट है इसका। अभी कितने दांत हैं? लोडेड है उमर भाई। अच्छा, गाबन भी है जी। ऑलमोस्ट 17 से 18 दिन हो गए इसको लोड कर आके। अच्छा, बकरे से लोडेड है। अच्छा, इसी हैदराबादी बकरे से मेटिंग हो गई इसकी, 17-18 दिन हो गया। और लेकिन मेटिंग की गारंटी नहीं रहेंगे ना, फ्रेश लोड है अभी, फ्रेश अपन खाली के हिसाब में दी। लेकिन कंडीशन माशाल्लाह अच्छी है इसकी, दोनों थन चालू है ना जी। ठीक है। और खुर भी देखिए, कुछ मार्बल है कुछ ब्लैक है, तैयारी अच्छी है, पीछे से भी गुलाबी है बकरी है। दांत कितने हैं इसके? चार दांत पे। चार दांत पे क्या प्राइस है इसका? 25,000 आसिंग प्राइस है। अगर देखिए ये कोई लेंगे ब्रीडिंग के हिसाब के लिए, तो आगे अगर अच्छे मेट से मेटिंग करवा रहे हैं आप, तो रिजल्ट और अच्छा आएगा। ये खुद एक हैदराबादी से क्रॉस है और इसके जो बच्चे आएंगे तो वो और भी ज़्यादा रिजल्ट लेके आएंगे। 25,000 में नेगोशिएबल है? इंशाल्लाह नेगोशिएबल भी हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में आपके पास ये जो नई आई हुई है बकरी, ये कितने दांत पे है? ये छः दांत पे होंगे। छः दांत पे है और ये बच्चा इसी का है? इसी का बच्चा है। माशाल्लाह नर बच्चा है ना जी? मेल बच्चा है। कितने महीने का होगा ये? ये हार्डली 1 महीना 10 दिन का है। 1 महीना 10 दिन का है। और क्या साइज है बकरी के कान का? 16 इंच लंबा है उमर भाई, 6.5 इंच के करीब चकलान है। 16 इंच लंबा, 6.5 इंच चकलान जी। और कान पूरे खुले भी है, कोई चुमटी रिंकल नहीं है इसमें, मैक्सिमम पूरी वाइट है। ये जो ब्लैक स्पॉटिंग दिख रही है हैदराबादी बकरियों में आती है अक्सर, लेकिन जब बाल आ जाते तो पूरी वाइट हो जाती है। अभी ये जो बच्चा है इसके कान का साइज ये 10 इंच के आसपास रहेंगे। 10 इंच के आसपास और चकलान 4.5 5 इंच के ऊपर है। एक बार खोलिए कान। 4.5 चकलान है इसके। और क्या प्राइस के है ये दोनों उमर भाई? ये 45,000 में दे देंगे। 45,000 में ये दोनों भी अवेलेबल है, बच्चे के साथ में है। ठीक है। कान पूरे खुले ही देखिए, बच्चे के भी और माँ के भी, दोनों भी वाइट आइस में है। बच्चा छोटे चेहरे के अंदर है। और ये एक ही बच्चा था और एक भी था इसके साथ? एक था लेकिन वो किसी को दे दिए। अच्छा, अभी फिलहाल एक बच्चा है साथ। ठीक है, 45,000 में कम हो जाएगा ना इंशाल्लाह, नेगोशिएबल है। ठीक है। इसके बाद में बहुत बड़े फ्रेम के अंदर और बहुत अच्छे कान के साइज के अंदर ये एक बकरा है। देखिए, हैदराबादी ब्रीडर है, पंच फेस के अंदर भरमार अबलग है। क्या साइज है कान का इसके? 18.5 इंच लंबा है उम्र और 8 इंच के ऊपर है चकलान, लेकिन 8 इंच बोलिए। 18.5 इंच लंबान है और 8 इंच प्लस चकलान है, लेकिन 8 बतला रहे हैं आप जी। और कान पूरे खुले है इसके, खुले। कोई चुमटी रिंकल नहीं है, पंच बहुत अच्छा है। देखिए चेहरे पे बब भी है और लंगर बहुत बड़ा है इसका। क्या एज है इसकी? 3 साल के आसपास। ये 8 दांत पे आ गया होगा जी, फ्रेश 8 दांत लगा है। और क्या वेट होगा इसका भी? ये वेट तो मैं नहीं कर रहा हूं, 60 प्लस ही रहेगा। 70 के आसपास तो आ जाएंगे, क्योंकि फ्रेम बहुत बड़ा है देखिए इसका और गोल भी है बकरा। ब्रीडर है ना ये जी? अंडू बकरा है ये। देखिए आप, एक्टिव भी है और तेज भी है माशाल्लाह। अच्छा, हैवी वेट रहने के बावजूद भी एकदम एक्टिव है और पैर वगैरह सारे अच्छे हैं इसके। पैर मोटे एकदम बोल्ड है, यानी हैवी वेट रहने से कभी बकरों के पैर बैठ जाते, ब्रीडिंग नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा वेटेड रहने के बावजूद भी एक्टिव है। और लेंथ बहुत ज़्यादा है इसके, नॉर्मल बकरों में लेंथ नहीं मिलेंगे आप लोगों को, लेंथ वगैरह भी अच्छी है इसकी। क्या प्राइस रख रहे हैं इसका आस्किंग आप? 35,000 बिल्कुल नेगोशिएबल हो जाएंगे अभी? बहुत भी बहुत कम चांसेस है उमर भाई, लेकिन मैक्सिमम 35,000 फिक्स रखेंगे। अच्छा, यानी बिल्कुल स्लाइटली नेगोशिएबल रहेंगे देखिए, लेकिन बहुत अच्छा प्राइस है। गले की झालर बहुत ज़्यादा है इसमें और ब्रीडिंग के लिए बहुत लंबे टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं इसको, यानी ओपन पे आने के बाद भी बकरे ब्रीडिंग करते हैं। इनकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है इनकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है आप लोगों को। सिर्फ 35,000 के अंदर ये बड़ा बकरा सेल के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल स्लाइटली नहीं के बराबर नेगोशिएबल है इसके अंदर। और गर्म भी बहुत ज़्यादा है देखिए, कान 18 इंच लंबा है, 8 इंच प्लस चकलान है, पंच फेस है, गले की झालर है, भरमार अबलग है, प्योर क्वालिटी का हैदराबादी है, इसमें कोई मिक्सिंग वगैरह नहीं है। देखिए सिर्फ 35,000 में ही अवेलेबल है और वेटेड भी है अगर आप लोगों को, यानी
कुर्बानी के लिए भी लेना है बड़ा हैदराबादी अच्छी क्वालिटी वाला, तो उस हिसाब से भी आप लोग ये ले सकते हैं। और कुछ है आपके पास? यही है, यही है। तो टाइटल के नंबर पे कॉल कीजिए, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।